खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, केएनएन मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जी हाँ, क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगामी प्लान, और सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस में एक युवा चेहरे को बेहद ही खास नज़र से देखा जाता है, वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र आगे जाएं। बीच में तो एक ये भी चर्चा चली थी कि कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष की लड़ाई है उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इन्हीं सब तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद शर्मा जी। सर, क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगामी प्लान रहने वाला है जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं? देखिए अरुण भाई, हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। आपके कितने नज़दीकी दोस्त हैं या भाई हैं, वो जरूर आपसे हो सकता है कि एक समय बाद ईर्ष्या करने लगे या ना चाहे आप आगे नहीं जाएं। एक पिता एक ऐसी चीज़ है जो अपने बेटे को अपने से आगे ले जाना चाहता है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वैसे ही पुत्र मोह के कारण बदनाम है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद चाहते हैं कि उनका बेटा आगे राजनीति में उनसे आगे जाए, उनसे लंबी लकीर खींचे। चौधरी रणबीर सिंह एकमात्र ऐसे नेता है जो राजनीति के हर प्लेटफार्म पर जिन्होंने जो है आसीन रहे हैं, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, चाहे वो जो है आपकी संविधानसभा है। तो लेकिन वो जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, ना ही जो है केंद्रीय मंत्री बने थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 10 साल मुख्यमंत्री बन गए, वो चाहते आगे उनका बेटा भी स्थापित हो। शुरुआत होती है सबसे पहले आगे आने वाली राज्यसभा की सीट के लिए। परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनसे पूछा गया कि चौधरी साहब, अप्रैल में जो है मार्च में टर्नओवर खत्म हो रहा है हमारी शैलजा का, और राजनीति में जो और राज्यसभा इस्तीफा दे चुके हैं राम कुमार कश्यप जी, तो उन्होंने बताया था कि राम कुमार कश्यप जी और शैलजा जी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो इसके लिए चुनाव होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, हमने पहले भी आपको बताया कि इस्तीफा दिया ही नहीं है, वो तो एक ढोंग रचे हुए कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी सीट पर अभी तक जो है चुनाव होने के चांस नहीं है। तो जैसे ही 90 विधानसभा में कांग्रेस 31 सीटें हैं, एक सीट जो राज्यसभा के खाते में जाती हुई दिख रही है, यानी एक सीट राज्यसभा में कांग्रेस को पक्की मिलेगी। और मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी दावेदार है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और गांधी परिवार की सबसे नजदीकियों में से कुमारी शैलजा। दूसरे दावेदार हैं हाल ही में कैथल से विधानसभा का चुनाव हारे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला। और तीसरे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तीसरे दावेदार हैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जो है सेंटर की राजनीति करना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डेट ऑफ बर्थ 1947 की है, अब वो 72 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगले विधानसभा चुनाव में उनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अगली बार वो मुख्यमंत्री के दावेदार जो है अगर अपने आप को बनाए रखते हैं तो एक मुश्किल कार्य होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी और सहयोगी जितने भी राजनीति उनके समय के थे लगभग जो है राजनीति रूप से रिटायर होते जा रहे हैं, इसलिए सेंटर में अब उनकी जो है पैरवी करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि अगले जो साल चुनाव हो रहा है उसमें राज्यसभा में जाएं और कुलोई विधानसभा से उपचुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने। इस बार जो चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत, रोहतक, पानीपत, खासकर इन चार जिलों झज्जर चार जिलों का प्रभार जो है अपने पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था। विधानसभा के चुनाव के अंतिम दिन वो बड़ौदा विधानसभा के बाद फरीदाबाद विधानसभा में भी हेलीकॉप्टर से जाकर प्रचार कर आए थे। उन्होंने इस चार जिलों में कहा था कि मेरी हार का बदला आप लोग लेंगे, और इस चार जिलों की 20 में से 14 सीटें सबसे ज़्यादा सीटें जो आई, और भाजपा को इसका दर्द भी हुआ, इन चारों जिलों से किसी को मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र उपचुनाव लड़कर जो विधायक बने, और उनकी दूसरी जो सबसे नज़दीक की जो सहयोगी है जो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, दीपेंद्र और गीता बुक्कल की जोड़ी बने, यानी कुमारी शैलजा की जगह ऑप्शन के रूप में वो चाहते हैं कि आगे जो है जाकर इस को जो है बागडोर संभाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि कुमारी शैलजा की तरह की जगह आगे जाकर जो है प्रदेश की अध्यक्ष की बागडोर संभालें गीता बुक्कल जी, और विपक्ष में नेता बने दीपेंद्र सिंह हुड्डा, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए और जो है गीता बुक्कल जी को जो विपक्ष का नेता बना दिया जाए, और अगले चुनाव तक जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा नौजवान होंगे, 5 साल बाद कांग्रेस की कमान दोबारा राहुल गांधी के हाथों में आ सकती है। आप लोग जानते ही हैं राहुल गांधी जी का जो है बिल्कुल 36 का आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है
वो राहुल गांधी की टीम के कोर कमेटी के सदस्य हैं। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी जो है 16 महीने के कार्यकाल में सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया था और मीडिया प्रकोष्ठ मीडिया में जो है सोशल मीडिया का अध्यक्ष भी बनाया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बिल्कुल श्रेयाम जो सीधी सीधी सोच है कि राज्यसभा में जाकर वो सेंटर की राजनीति करें और हरियाणा में चुनाव लड़वाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे जो है प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री रूप में तैयार करें। 14 तारीख को भारत बचाओ रैली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कई वक्ताओं द्वारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जाट नेता बताया गया और उन्हें रैली में जितना महत्व दिया गया उससे यही लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमर कसकर आगामी राज्यसभा के चुनाव में सांसद बनना चाहेंगे और अपने पुत्र को हरियाणा में स्थापित विधायक बनाकर स्थापित करना चाहेंगे और ताकि वो प्रदेश की राजनीति में पूरे प्रदेश में घूमें और अपना वह वर्चस्व कायम कर सके।